वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं आपका सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस के अंदर पार्ट थर्ड। ठीक है, इससे पहले वाला जो पार्ट था मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ, वो था प्लफिंग बैक ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, और सेकंड जो था वो कौन सा था आपका, रिटेन अर्निंग। ठीक है, जिसे हम लोग एक ही बात कहते हैं। और जो सेकेंड जो था आपका वो था आपका बकायदा ट्रेड क्रेडिट, शायद आपको याद होगा। आप लोग यदि नहीं पता तो आप अपने पुराने जो वीडियो वो जाके देख सकते हैं। अब देखिए आप लोग इसमें थर्ड वाला फैक्टर यानी आड़त। तो आड़त यानी जो फैक्टर है, आड़त जो है ये पुराने टाइम में बोला जाता था आड़त, अब इस मतलब इंग्लिश में इसे फैक्टरिंग कहते हैं या फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो अब ये आड़त जो है उसके बारे में देखिए क्या है कि फैक्टरिंग इज अ फाइनेंशियल सर्विस अंडर, देखिए यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ, फाइनेंशियल सर्विस यानी एक प्रकार से क्या है, सर्विस है, सेवा है ये, अंडर विच द फैक्टर यानी आड़त रेंडर्स वेरियस सर्विसेज, यानी जो आड़त एक जो होता है वो एक व्यक्ति है। ठीक है, जो क्या करता है, कई सारी सर्विसेज देता है। वो सर्विसेज कौन कौन सी है, यहाँ पे मैंने बता रखा आपको दो प्रकार की है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट क्या है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स एंड कलेक्शन ऑफ द क्लाइंट्स डेब्ट एंड कलेक्शन ऑफ द क्लाइंट्स डेथ, यानी कि जो क्लाइंट्स हैं उनकी जो ऋण है उनके, है ना, वो जो क्लाइंट्स के से आपकी जो लेनदारी आपको वसूल करनी है वो वाला काम, यानी एक तो विपत्रों को बनाना और ग्राहकों के या जो लेनदार हैं उनका ग्राहकों से लेनदारों का की लेनदारी को वसूल करना, और सेकंड क्या है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट क्रेडिट वर्जिनेस इज प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट, यानी कि संभावित जो ग्राहक है आदि की साख के संबंध में उनको सूचना देना। तो दीज टू आर द फंक्शंस ऑफ द आड़त, फंक्शंस ऑफ द आड़त। ठीक है, फैक्टरिंग की अब बात करते हैं हम लोग, आगे होगा आपको समझ में। तो देखिए मैं आपको वापस बताता हूँ कि व्हाट इज द आड़त, है ना। फैक्टरिंग जो है इट्स अ सर्विस, ये एक फाइनेंशियल सर्विस है जो दो प्रकार के, जिसमें फंक्शंस होते हैं, एक होता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स एंड कलेक्शन ऑफ द क्लाइंट्स डेब्ट, सेकंड है प्रोसीडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट क्रेडिट वर्जिनेस ऑफ प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट, यानी जो संभावित ग्राहक है उनके बारे में उनकी क्रेडिट उनकी साख की सूचना देना। तो आड़त जो है वो क्या करता है कि जो ग्राहक है ना उनसे उनके एक तरह से कस्टमर हो गया उनके लिए, तो जो आप जो सर्विस ले रहे हो तो उनसे क्या करता है, उनके जो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स है वो परचेस यानी वो ले लेता है, और उनसे रिसीवेबल यानी उनसे जो अमाउंट रिसीव होगा वो बाकायदा आपको ग्राहकों को लौटाने का काम करता है। और सेकंड जो कलेक्शन ऑफ द क्लाइंट ऑफ डेब्ट, जो ग्राहक हैं वो ग्राहक जो उधार माल ले चुके हैं उनसे वापस वो माल को क्या करता है, कलेक्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा अब सेकंड क्या है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि हम लोग जब माल को बेचते हैं तो हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता नहीं होती है कि वो हमें वापस पैसा चुका पाएगा नहीं देगा, माल को कहीं, है ना, मिसयूज करने वाला या किसी प्रकार का धोखेधड़ी या फर्जी तो नहीं है, है ना, फ्रॉड तो नहीं है। तो वो वाली जो सूचना है वो भी कौन देता है, हमें आड़त फैक्टर देता है। ठीक है, तो ये दो काम होते हैं एक तरह से, कलेक्शन इसे हम लोग यदि मैं आपको शॉर्ट भाषा में समझाऊं तो ये रिकवरी वाली बात कह सकते हो कि ये क्या करता है, मनी की रिकवरी करता है। ठीक है, तो यानी मैं इसको यदि यूं समझाऊं तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स यानी इसमें क्या आ सकता है कि अंडर दिस द रिसीवेबल्स ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर सोल्ड टू द फैक्टर एट अ सर्टेन डिस्काउंट, द फैक्टर बिकम्स responsible for all credit controls and debt collection for the buyer and provides protection against any debt bad debts losses to the firm. अब इसके two types होते हैं, एक तो है resources and एक तो है recourse and second है non recourse यानी अलंबन सहित factoring और अलंबन रहित factoring। ठीक है, तो under रिकॉर्ड फैक्टरिंग द क्लाइंट इज नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डेब्ट, यानी रिकॉर्ड्स में क्या है कि जो क्लाइंट है जो ग्राहक है उसको किसी भी प्रकार का जो है सिक्योर वो नहीं होता है उधारी के लिए। ठीक है, उसे नहीं प्रोटेक्शन होता, और द फैक्टर एज्यूम्स द एंटायर क्रेडिट रिस्क अंडर नॉन रिकॉर्ड्स
फैक्टरिंग यानी फुल अमाउंट ऑफ इनवॉइस इज पेड ऑन द क्लाइंट इफ द इवेंट ऑफ द डेब्ट बिकमिंग बैड। और सेकंड के अंदर क्या है, नॉन रिकॉर्ड्स में कि बाकायदा यदि किसी प्रकार का भुगतान नहीं करता है ना आपको जो कलेक्शन करना है तो बाकायदा फिर वो उसका भुगतान करेगा किसको, क्लाइंट या कस्टमर को। ठीक है, तो दैट इज द टू टाइप्स ऑफ द फैक्टरिंग। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके कुछ इसका जो सेकेंड पॉइंट है वो प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट क्रेडिट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि द फैक्टरिंग होल्ड लार्ज अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रेडिंग हिस्टोरीज ऑफ द फर्म। दिस कैन बी वैल्यूएबल टू दोज हु आर यूजिंग फैक्टरिंग सर्विसेज एंड कैन देयर बाय अवॉइड डूइंग बिजनेस विद कस्टमर हैविंग पुअर पेमेंट रिकॉर्ड। फैक्टर्स मे ऑल्सो ऑफर रिलेवेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज इन द एरिया ऑफ फाइनेंस और मार्केटिंग। यानी फाइनेंस और मार्केटिंग के अंदर इस प्रकार की कई सारी सर्विसेज भी देता है फैक्टरिंग, जो बाकायदा बिजनेस के अंतर्गत जो कई सारी जो फॉर्म्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी पूरी रिपोर्ट रखता है कि उनका पेमेंट मोड के अंदर क्या रिजल्ट रहता है। ठीक है, उनसे डील्स किस प्रकार से आप की जो सिक्योरिटी है वो किस प्रकार से रहती है और नहीं रहती है, वो सारी बातें भी एक तरह से सर्विस के रूप में जो है क्लाइंट्स को देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फैक्टरिंग के मीनिंग की बात। अब हम इसके देखते हैं मेरिट्स यानी इसके कुछ गुण। तो देखिए इसका फर्स्ट जो है वह है ऑब्टेनिंग फंड्स थ्रू फैक्टरिंग इज चीपर देन फाइनेंसिंग थ्रू अदर मीन्स सच एज बैंक क्रेडिट। क्या मतलब है इसका कि जो फैक्टरिंग के द्वारा जो कोस्ट जुटाना जो है वो बैंक जैसे माध्यमों से भी काफ़ी सस्ता होता है। ठीक है, जो बैंक्स भी आपको पता है इस प्रकार का काम करते हैं, ध्यान रखिएगा, तो जो बैंक्स हैं उनके उनसे भी ज़्यादा सस्ता ये जो पढ़ने वाला है वो क्या पड़ता है, आड़त यानी फैक्टरिंग वाला काम पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट तो क्या हो गया, ये चीपर है। सेकंड, विथ कैश फ्लो एक्सीलरेटेड बाय फैक्टरिंग द क्लाइंट इज एबल टू मीट हिज या हर लाइबिलिटीज प्रॉम्प्टली एज द व्हेन दीज अराइज। क्या मतलब कि फैक्टरिंग के माध्यम से रोकड़ प्रवाह बढ़ने से ग्राहक अपनी देयताओं के देय होने पर तुरंत भुगतान कर सकता है। देखिए कैश फ्लो आता रहता है यानी कि आपकी क्या है, रिकवरी चलती रहती है। आप आड़त से बात करते हैं, आपका पैसा आपको मार्केट से वापस वो कलेक्ट करके लाकर देता रहता है जिससे कि आपका कैश फ्लो एक्सीक्यूटेड होता रहता है। नेक्स्ट है इसके बाद फ्लैक्सीबल, कि फैक्टरिंग इज द सोर्स ऑफ फंड्स इन फ्लैक्सीबल एंड एंश्योर ए डेफिनाइट pattern of cash inflows from credit sales. It provides security for a debt that a firm might otherwise be unable to obtain. कि फैक्टरिंग धन का वह लचीला एक स्रोत होता है जो उधार विक्रय से रोकड़ प्रवाह के एक निश्चित स्वरूप को सुनिश्चित करता है। एक ऐसी लेनदारी जिसे शायद फर्म अन्यथा वसूल न कर पाए यह क्या करता है, उसे सुरक्षित करता है। तो ये किस प्रकार का साधन है, एक तरह से फ्लेक्सिबल साधन है। ठीक है, इसके बाद नो चेंज ऑन फर्म एसेट्स, ये पहले उसमें ट्रेड क्रेडिट में भी ये पॉइंट था और यहाँ पर भी ये पॉइंट है। इसका क्या मतलब हुआ कि इट डज नॉट क्रिएट एनी चेंज ऑन द एसेट्स ऑफ द फर्म, की यह फर्म की संपत्ति पर कोई भार पैदा नहीं करता है। नो चार्ज, ठीक है, नो चार्ज। इसके बाद है ट्रांसफर लाइबिलिटी। अब आपको मैंने बताया था कि जो लाइबिलिटी है, दायित्व है, वो क्या करता है, एक तरह से ट्रांसफर करो लेता है या करवा देता है। क्या मतलब कि क्योंकि फैक्टर द्वारा साख नियंत्रण का पूरा दायित्व अपने कंधों पर ले लेता है, इसलिए ग्राहक व्यवसाय के दूसरे संचालन क्षेत्रों पर अपना ध्यान दे पाते हैं। अब मार्केट से जो कलेक्शन करने का काम, यदि जो एक तरह से सबसे ज़्यादा हेडेक का जो काम है वो आपने ट्रांसफर कर दिया है किसको, आड़त को, फैक्टर को, तो एक तरह से अब आप जो है दूसरे जो अपने जो अदर जो काम है उनके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में इसकी कुछ लिमिटेशंस या सीमाएँ। फर्स्ट है क्या कि एक्सपेंसिव, दिस सोर्स इज एक्सपेंसिव व्हेन द इनवॉइसेस आर न्यूमरियस एंड स्मॉलर इन अमाउंट। जब बीजक की राशि छोटी या बड़ी संख्या में हो तो यह स्रोत काफ़ी ज़्यादा खर्चीला हो जाता है। कम अमाउंट है और आपका तो आदत फिर ज़्यादा आपके लिए खर्चीला है, और यदि बड़ी संख्या में है तो उतना ही ज़्यादा आपके लिए रिस्क है और उतनी ज़्यादा आपको अमाउंट भी खर्च करनी पड़ेगी, तो कुल मिला के ये कैसा है, एक्सपेंसिव है। सेकेंड, हायर इंटरेस्ट कोर्स, इसका मतलब द एडवांस फाइनेंस प्रोवाइड बाय द फैक्टर फर्म इज जनरली अवेलेबल एट अ हायर इंटरेस्ट कोर्स देन द यूजुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। कि फैक्टर फर्म अग्रिम वित्त सामान्यतः ब्याज की प्रचलित दर की तुलना में ऊंची दर पर उपलब्ध होती है, यानी जो कॉमनली जो इंटरेस्ट रेट चलती है, इंटरेस्ट रेट जो है उससे ये ज़्यादा के ऊपर ये उसको लेती है। ठीक है, और लास्ट फैक्टर इज अ थर्ड पार्टी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है
क्या कि द फैक्टर इज अ थर्ड पार्टी टू द कस्टमर हु मे नॉट फील कंफर्टेबल व्हाइल डीलिंग विद इट, क्योंकि फैक्टर ग्राहक के लिए तीसरा पक्ष होता है, हो सकता है कि वह इसके व्यवहार करने में सहज अनुभव या सहजता ना अनुभव करे, ठीक है, क्योंकि क्या है, थर्ड पार्टी है, फर्स्ट पार्टी तो कौन है आप, सेकेंड पार्टी कौन है जो आपका क्लाइंट था, और थर्ड पार्टी कौन है आर्डर फैक्टर, तो यहाँ पे कौन सा पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया, इसलिए जो कई बार जो है आप जो कस्टमर क्लाइंट है वो इससे क्या असहज महसूस करते हैं डील करते समय, ठीक है, तो डेट इज द थर्ड पॉइंट ऑफ द फैक्टरिंग ऑफ दी सोर्सेज बिजनेस, ठीक है, बिजनेस के जो सोर्स है उसका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है, आगे जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग इसका फोर्थ जो सोर्स है वो अध्ययन करेंगे, उसके बारे में रीड करेंगे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।